4 जुलाई 1989 सोवियत एयरफोर्स की रूटीन ट्रेनिंग के दौरान कर्नल निकोलाय स्कुर्दिन बागिश एयरबेस से अपनी MiG-23M में उड़ान भरते हैं। 500 फीट की ऊंचाई पे इंजन का आफ्टर बर्नर फेल कर जाता है और प्लेन कम थ्रॉटल की वजह से जमीन की तरफ बढ़ने लगती है। कर्नल स्कुर्दिन इजेक्ट कर जाते हैं। उनके इजेक्ट करने के बाद प्लेन अपने ऑल्टीट्यूड को रिकवर करने लगती है। ये देख कर्नल हैरान हो जाते हैं, लेकिन अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। प्लेन ऑटो पायलट मोड में वेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। पोलिश एयर स्पेस को पार कर ईस्ट जर्मनी और फिर वेस्ट जर्मनी पहुंच जाता है। यूएस एयरफोर्स की 32nd टैक्टिकल फाइटर स्क्वाड्रन के 2 F-15 इसको इंटरसेप्ट करते हैं। MiG-23 में पायलट न होने की खबर वो नीदरलैंड की स्विस्टरबर्ग एयरबेस को देते हैं। F-15 को ऑर्डर मिलता है कि वो MiG-23 को मार गिराएं। MiG-23 डच एयर स्पेस को पार कर बेल्जियम की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है। अब ये प्लेन ग्लाइड करते हुए फ्रांस की तरफ बढ़ने लगता है। 900 किलोमीटर बिना पायलट के उड़ने के बाद ये बेल्जियम के एक घर में क्रैश कर जाता है। उस क्रैश में 18 साल का एक रेसिडेंट मारा जाता है।